चैनल सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपका कुक विद नफीसा के चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बॉटल वाला कोल्ड मिल्क। ये तो आपने बाजारों में बहुत पिया होगा, तो मैं आपको इसको घर पे बनाना बताऊंगी। और एक बार मेरे तरीके से आप घर पे इसको बना लेंगे तो आप बाहर का जो बॉटल मिल्क होता है वो पीना भूल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में क्या किया है कि 1 लीटर मिल्क ले लिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे इसको मैं बॉयल आने दूंगी। मीनवाइल मैं क्या करूंगी कि इसमें फ्लेवर के लिए इलायची ऐड करूंगी और केसर ऐड करूंगी। केसर और इलायची का जो फ्लेवर होता है वो मिल्क में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और बीच में हम क्या करेंगे कि दूध को हम चलाते भी रहेंगे ताकि जो इसका पेंदी है वो जले नहीं। अब जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे मिल्क में जो है बॉईल आ रहा है, तो अब यहाँ पे मैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी जो कि है मिल्क पाउडर। आप यहाँ पे इसके जगह पे मावा भी ऐड कर सकते हैं, मगर मिल्क पाउडर से इसका टेक्सचर एंड टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर आता है। तो अब इसको भी मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे ध्यान रखें कि जो मैंने मिल्क लिया था वो फुल क्रीम मिल्क लिया था। और इस तरह से ये मिल्क आप बना के फ्रिज में आप 4 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि अच्छा बॉईल आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करूँगी कि मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें कि काजू, पिस्ता और बादाम, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया। बहुत बारीक नहीं काटना है, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आ सके इसलिए थोड़ा सा मोटा ही इसको काटना है। अब इसको मैं यहाँ पे मिल्क में ऐड कर दूँगी और इसको हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे हमें पकाना है। अब इसी तरह से हमें 20 से 25 मिनट तकरीबन आधे घंटे तक हमें मिल्क को ड्राई फ्रूट के साथ पकाते रहना है ताकि जो पूरा ड्राई फ्रूट का फ्लेवर है और केसर का फ्लेवर है पूरी अच्छी तरीके से मिल्क में आ जाए। तो रेडी है हमारा ड्राई फ्रूट वाला मिल्क जो कि आप ठंडा और गर्म दोनों ही सर्व कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। और ये बॉटल वाला मिल्क जो है मैंने इसको फ्रिज में ठंडा कर लिया था और ये कप में जो है ये गर्मा गर्म है। तो आप इस मिल्क को एंजॉय करें एंड कैसा लगा मेरा रेसिपी ज़रूर बताएं मुझे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सर्दियों में इसका मज़ा उठाएं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है तो इसे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।